बात कर लेते हैं यार एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की, क्योंकि ये पहले भी आ चुका था तो मैंने आपको वहां पे भी बताया था, बट क्योंकि अब ये मैं पूरा का पूरा प्रॉपर बताऊंगा। जैसे कि प्रॉपर्टीज में पहले आया था ना ये, याद है, मैट्रिक्स एडिशन प्लेस बाय प्लेस अभी थोड़ी देर पहले, या फिर मैंने जब आपको पहले लेक्चर्स लगातार पढ़ाते आ रहा हूँ वहां पे लगातार आपको चीजें लगातार मैंने समझाई थी कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस समझाऊंगा और उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंपेटेबल फॉर एडिशन ओनली इफ दे बोथ हैव एग्जैक्टली द सेम साइज। अच्छा सर, तो पहली चीज क्या, दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी होगा, वो कंपेटेबल ही तभी होंगी जब उनका साइज क्या हो, सेम हो, एम क्रॉस एन। यानी कि अगर एक 2x3 की तो दूसरी वाली भी 2x3 की होनी चाहिए जिसको आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। अगली चीज, देन देयर सम इज डिफाइंड टू बी द टाइप एम क्रॉस एन ऑब्टेन बाय एडिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब कि जिस नंबर का एलिमेंट जहां पे है ना भाई, उसको उसी नंबर के एलिमेंट के साथ जोड़ना है। जैसे कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ए ये है और मैट्रिक्स भी आपके पास ये दी हुई है, तो ए आई बी मतलब कि ए प्लस बी कितना आएगा आपके पास, ए प्लस बी आपके पास कुछ इस तरीके से आने वाला है, यानी कि ए आई जे प्लस के, ए प्लस के यहाँ पे बी बी आई जे आएगा। ओके, दिस इज योर बी आई जे। ओके, ए आई जे प्लस बी आई जे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड करते चले जाओगे, एंड दैट इज योर मैट्रिक्स एडिशन। कैसे, सिंपल 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 फॉर्म में, अगर ए आई जे अपन इस तरीके से समझ लें, क्या समझ लें सर, 1 2 3 4, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स अगर अपन ए समझ लें, और अगर मैट्रिक्स बी को हम लोग क्या मान लें, मैट्रिक्स बी को हम लोग मान लें लेट सपोज 3 4 5 1, ठीक है। तो ए प्लस बी कितना आने वाला है, ए प्लस बी, पहली चीज सर अगर ये 2x2 का है तो ये भी 2x2 का होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैंने एक आधी रो या कॉलम बढ़ा दिया होता तो ऑफ कोर्स मैट्रिक्स एडिशन संभव नहीं था, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है कि दे बोथ हैव एग्जैक्टली द सेम साइज, ठीक है ना, सेम साइज होना चाहिए। तो अब क्या करना है, सिंपल, ये पहले वाला एलिमेंट इसमें जुड़ जाएगा लाइक दिस। तो अगर मैं ए प्लस बी की बात करूंगा तो ये सिंपल आपके पास आएगा 1 + 3 विच इज 4, 2 + 4 विच इज 6, 3 + 5 विच इज 8, एंड 4 + 1 विच इज 5, अगेन ऑर्डर 2x2, ठीक है। तो यही चीज वो यहां पे कहना चाह रहे हैं कि ए प्लस बी आपका आएगा हमेशा कैसे कैसे आएगा, ए आई जे प्लस के, प्लस के बिल्कुल ये बी है, ठीक है ना, बी आई जे, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी एडेड इन द एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी, देन यू विल बी गेटिंग योर मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है ना, मैट्रिक्स एडिशन आपका इस तरीके से आता है, ठीक है दोस्त। आगे हम बात कर सकते हैं हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अच्छा, अगर मैट्रिक्स एडिशन हो रहा है तो जाहिर सी बात इसकी प्रॉपर्टीज भी होंगी, ठीक है, और जाहिर सी बात है अगर प्रॉपर्टीज हैं तो इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो आइए जरा देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में क्या क्या हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, अभी ये शब्दों पर नहीं जाना, शब्दों से ज्यादा यू नो टेंशन में आने की जरूरत नहीं कि सर कम्यूटेटिव क्या होता है, हालांकि आप लोग जानते हो मैं समझता हूँ, बट फिर भी जो बच्चे नहीं जानते हैं ना वो भी आराम से देखिए जरा। कम्यूटेटिव का मतलब कुछ नहीं, बस इधर का उधर, उधर का इधर कर दिया, क्या सर के बस इतनी सी बात सर, आज के बाद पूरी इंजीनियरिंग में आज के बाद जहां पर भी आपको कम्यूटेटिव दिखेगा मतलब यही होता है, क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है ना। मैथ्स में भी हर जगह पे इसका मतलब यही होता है कि भाई पहले ए को रखा बाद में बी को रखा तब भी उनका योग उनका सम उनका जोड़ बराबर होगा अगर पहले मैं बी को रख दूंगा और बाद में मैं ए को रखूंगा, इस तरीके से। क्लियर, दिस इज योर कम्यूटेटिव लॉ, याद रखोगे कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में पहली प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स एडिशन हमेशा हमेशा क्या होता है आपका, कम्यूटेटिव होता है। सेकेंड चीज, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। अरे सर ये कहाँ कहाँ से भारी भारी शब्द ला रहे हो, अरे कोई भारी शब्द नहीं है, सिंपल है, आराम से देखो, एसोसिएटिव मतलब एसोसिएशन, एसोसिएशन करो। अच्छा, एसोसिएशन कैसे, मतलब अगर तीन है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी, तो पहली एसोसिएशन मान लो ए ने बी के साथ करी, तो ए प्लस बी को एसोसिएट करके आपने कोई एक मैट्रिक्स लिया और फिर उसको दूसरी मैट्रिक्स सी के साथ जोड़ दिया, तो जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल वैसा होगा अगर आप इस बार बी और सी का एसोसिएशन करके रिजल्ट लेकर के आके उसको ए के साथ जोड़ दोगे। मेरी बात समझ में आई, रिपीट करूं, ए और बी को जोड़ के जो मैट्रिक्स आ रहा है उसका जो एडिशन सी के साथ आएगा वो बिल्कुल सेम होगा, बी और सी का एसोसिएशन करने के बाद जो मैट्रिक्स आपका जुड़ के आने वाला है उसको अगर जोड़ दोगे ए के साथ, दैट इज एसोसिएटिव लॉ। सो ए प्लस बी कंबाइंड प्लस सी
इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कंबाइंड. दिस इज योर एसोसिएटिव लॉ. आज के बाद ऑफकोर्स इंजीनियरिंग में जहां पे भी ये लॉ देख लो एसोसिएटिव, उसका मतलब यही हो जाता है, ठीक है ना. एसोसिएटिव का लॉ यही मतलब होता है. एसोसिएटिव सिर्फ एडिशन में ही नहीं, मतलब कि मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. अगर हम कहीं पे जनरली बात भी बोले, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में नहीं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो आपका एसोसिएटिव भी होता है और कम्यूटेटिव भी होता है. समझ रहे हो ना, विचार करना इस बात के ऊपर. बहुत बढ़िया. अभी तो खैर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो इसी के ऊपर बात करते हैं, ठीक है. ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन के अंदर दो हो चुके हैं. तीसरी प्रॉपर्टी आपके सामने ये रही, कैंसलेशन लॉज होल्ड्स गुड इन केस ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर. कैंसलेशन लॉ भाई आपका बिल्कुल सही सही साबित हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है. यानी कि क्या कहना चाह रहा है वो, ये कहना चाह रहा है, ये चीज बताना चाह रहा है वो, कि भाई अगर आपने कोई मैट्रिक्स है ए प्लस एक्स इस तरीके से लिख दिया, बी प्लस एक्स और यहाँ पे एक्स और एक्स बराबर है, तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बिल्कुल सही, जैसा आप बिल्कुल सिंपल सिंपल आप अपना एलजेब्रा करते हैं ना, उसी टाइप से यहाँ पे भी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना. एक्स प्लस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस बी है, तो ऑफकोर्स अगेन ए प्लस बी मतलब ए इज इक्वल टू बी. ओके, सो लेट ए बी सी, एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं इसके ऊपर. ए बी सी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दैट इज एम क्रॉस एन. तीन मैट्रिक्स ली और उनका ऑर्डर सेम है, तो भाई हमेशा a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी होल्ड्स होगा ओनली इफ a प्लस बी हमेशा a प्लस सी के बराबर होगा. सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब b और c आपके क्या हो, बराबर हो. समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अरे समझ में आई बात या नहीं? क्योंकि ये तो दिख गया a और ये तो वैसे ही बराबर है, ठीक है. तो ये b और c को भी क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा अगर इस पूरी की पूरी इक्वेशन को आपको सही करना है. तो इसके एग्जाम्पल के रूप में आप चीज़ों को देख सकते हो यार. इसके एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स रख सकते हो, सिंपल सिंपल एक मैट्रिक्स यहाँ पे कोई रख सकते हो. जैसे कि अगर मैं रख दूँ यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख दूँ मैं, मान लो मैंने ए रख दिया आपका कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने बी के अंदर कोई सी भी मैट्रिक्स रख दी. सपोज दैट बी मैंने रख दिया 1 1 1 लाइक दिस, और फिर से आपके पास क्या है यहाँ पे ए विच इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 1 लाइक दिस. ओके, और फिर से मैंने यहाँ पे क्या बी की जगह पे क्या सी की जगह पे मेरे को क्या रखना पड़ेगा, बिल्कुल सी को मेरे को अगर इसको रिजल्ट लेकर के आना है, जरा देखो जरा, तो जरा यहाँ पे पता कर लेते हैं. सी की जगह पे सपोज दैट मैं यहाँ पे रख देता हूँ, सी की जगह मैं रख देता हूँ यहाँ पे एक्स वाई ए बी लाइक दिस, ठीक है. तो जरा इनकी वैल्यू देख लेते हैं कि वैल्यू इनकी क्या क्या आनी चाहिए. समझ रहे हो समझ रहे हो? तो अगर आप इनको जोड़ोगे और इनको जोड़ोगे तो यहाँ पे आपको एक्स वाई और ए बी की वैल्यू एग्जैक्टली वही मिल जाएंगी जो आपको इसकी वैल्यू मिलने वाली है, जो आपको इसकी इसकी वैल्यू यहाँ पे है. यू कैन चेक इट आउट यार, सिंपल ही है ना. 1 + 1 जोड़ सकते हो ना, 2. 0 + 1 कर सकते हो 1. 0 + 1 कर सकते हो 1. 1 + 1 कर सकते हो 2. सिंपल ऐसे ही यहाँ पे क्या x प्लस 1 ऐसी क्या y प्लस 0 y a प्लस 0 a b प्लस a b प्लस 1. सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2. अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया? सिंपल, यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है 2, ऐसे ही y इज इक्वल टू कितना है 1, ऐसे ही a इज इक्वल टू कितना है 1, समझ में आ रहा है ना, और b प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है 2, ठीक है. तो जरा इसको रख दो और जरा इसको करके देखना क्या आ रहा है. तो x प्लस 1 को अगर मैं 2 रख दूंगा तो कितना आ जाएगा x, x आ जाएगा सर 1, x आ जाएगा सर 1. उसी तरीके से y तो सिंपली मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया, वैसे ही a भी मेरे पास सिंपल कितना आ गया 1 आ गया. ओके, और वैसे ही b प्लस 1 को कितना रखना है यहाँ पे, b प्लस 1 को कितना रखना है यहाँ पे, ये रहा 2 रखना है. तो b प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अगर मैं रख दूंगा तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा फिर से 1. तो सर यहाँ पे तो a b y और x सबके सब क्या आ गए सर, 1 आ गए. तो यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसकी फॉर्म एक्चुअली में क्या आ गए सर, ये 1 1 1 1 ही आ गया, जो कि एक्चुअली में कोई और मैट्रिक्स नहीं है, वही मैट्रिक्स है B जो आप यहाँ पे कर रहे हो. तो अगर ये मैट्रिक्स आपकी C है तो ऑब्वियसली C इज इक्वल टू B. तो ये चीज आपकी यहाँ पे श्योर बिल्कुल सामने आपके मैट्रिसेस की फॉर्म में रखी हुई दिख गई है, सिंपल सिंपल, ठीक है ना. ये चीज तो समझ रहे हो, कोई इशू तो नहीं है, बड़े हैं, ठीक है ना. दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिक्स के आपका किस तरीके से होल्ड करता है, ठीक है. सब्ट्रैक्शन के ऊपर आ जाते हैं. जैसे कि मैंने बीच बीच में भी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया देते हुए चल रहा था इससे पहले के लेक्चर्स में, अभी उसी चीज़ को कंटिन्यू करिए.
और यहां पे सब्ट्रैक्शन को अच्छे से पढ़िए। सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है, सब्ट्रैक्शन आपका ऐसे नहीं कि ए माइनस बी कर दिया, सब्ट्रैक्शन भी एडिशन की तरह ही होता है। करना क्या होता है कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ एम क्रॉस एन ऑर्डर, देन क्या होता है वी डिफाइन ए माइनस बी, डायरेक्टली डिफाइन नहीं होता, कैसे होता है ये डिफाइन होता है ए प्लस के माइनस बी, वो माइनस बी उधर चला गया, इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, एक बार यहां पे देख लीजिएगा, ए प्लस के माइनस बी लाइक दिस, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यानी कि ए और बी अगर दो मैट्रिक्स हैं और दोनों का आपस में अगर सब्ट्रैक्शन देखना है तो क्या करना पड़ेगा, बी मैट्रिक्स के अंदर माइनस वन से पूरे में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और फिर दोनों को जोड़ दो, सिंपल सिंपल, क्लियर। दस द डिफरेंस ए माइनस बी इज ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ ए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी। कहने का मतलब अगेन, अब यहां पे मेरे को अलग से बताने की जरूरत नहीं है ना कि क्या होना चाहिए, बिल्कुल अगर मैट्रिक्स ए और बी का सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो ऑफकोर्स पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरी चीज क्या होना चाहिए, दूसरी चीज उनका हर एक एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन हर एक एलिमेंट के साथ वही, यानी कि अगर ए वन वन का सब्ट्रैक्शन निकाल रहे हो तो उसका किसके साथ निकलेगा, बी वन वन के साथ, ठीक है ना, ए वन टू का बी वन टू के साथ, लाइक दिस।